हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और सच्चे मन से उनसे अपनी इच्छाएं मांगते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बताया जाता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से आराधना करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन हर्षण योग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि योग और कई तरह के योग बन रहे हैं जो पूजा के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। वहीं पराशर ज्योतिषियों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सुबह स्नान के बाद देवी देवताओं को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लें। दोपहर बाद काला तिल को जल में डालकर छिड़क कर देवी देवताओं की पूजा करें। फिर पूजा घर में शुभ कलश स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण के साथ माता देवकी की मूर्ति स्थापित करें। फलहार में कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवे का सेवन करें।